हेलो फ्रेंड्स, कैसे हो आप लोग। स्वागत करता हूँ मैं आप सभी को अपने ही चैनल लर्न विद सुधांशु में। तो फ्रेंड्स, आज मैं हम बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री टेबल, जो कि सबसे हार्ड टेबल भी माना जाता है। इसको लर्न करने के लिए मतलब बोलते हैं लर्न नहीं हो पाता है, तो इसका मैं एक शॉर्ट ट्रिक बताने वाला हूँ। दो दो शॉर्ट ट्रिक है, इसी वीडियो में हम दोनों बता देंगे। और जो फर्स्ट वाला शॉर्ट ट्रिक है बहुत ईजी है, ठीक है। तो चलिए यहाँ पर हम स्टार्ट करते हैं ट्रिग्नोमेट्री टेबल को। देखिए, अगर जब भी अगर कभी आपको साइन 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करने हो, जब भी कभी भी अगर साइन 0 डिग्री का वैल्यू फाइंड करना हो, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, देखिए यहाँ पे हम करेंगे 0 1/0/4, ठीक है। फिर 1/4, 2/4, 3/4 और यहाँ पे हो जाएगा 4/4, ठीक है। ये लिखेंगे और देखिए यहाँ पे, देखिए जीरो यहाँ पे 0 डिग्री है। यहाँ पे देखिए 0 डिग्री, 30 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री। तो यहाँ पे 0 डिग्री, 35 डिग्री, 45 डिग्री, 60 डिग्री, 90 डिग्री, ठीक है। अब क्या करेंगे, इनके ऊपर हम रूट लगा देंगे। क्या करेंगे, रूट लगा देंगे सबके ऊपर, ठीक है। अब देखिए, 0 का रूट क्या होता है, 0 होता है। और जो नीचे 2 है, 4 है, 4 का रूट क्या होता है, 2 होता है, यानी 0/2 होगा। लेकिन इसका 0/2, देखिए यहाँ पे 0/2 नहीं होगा इसका आंसर। हम क्या करेंगे, 2 से हम 0 को डिवाइड करेंगे, यानी यहाँ पे हमें क्या मिलेगा, आंसर 0 मिलेगा। अब यहाँ पे 1/4 है उसका रूट, 1 का रूट क्या होता है, 1 ही होता है। और 4 का क्या होता है, 2 होता है वर्गमूल, ठीक है। और 2 का सेम वैसे ही करेंगे, तो 2 का यहाँ पे हो जाएगा हमारा √2 और नीचे क्या हो जाएगा हमारा, सॉरी सर, √2 नहीं यहाँ पे होगा। देखिए हम क्या करेंगे, पहले 2 को डिवाइड करेंगे, तो 2 1 2 होगा, 2 2 4, तो यहाँ पे हो जाएगा 1/√2, क्योंकि अगर 1 का वर्गमूल 1 होता है और √2 का वर्गमूल √2 ही होता है, ठीक है। अब आते हैं यहाँ पे 3/4। अब देखिए, अगर रूट में अगर यहाँ पे करें, तो जो √3 होगा यहाँ पे, देखिए कैसे √3/2 होगा, क्यों, क्योंकि 4 का वर्गमूल क्या निकल के आता है, 2 निकल के आ जाता है, ठीक है। इसके बाद यहाँ 4 है, तो यहाँ से कट करेंगे, तो यहाँ पे क्या आएगा हमारे पास 1 का वर्गमूल 1 ही होता है। तो अब हम क्या करेंगे, ये जो 0 डिग्री का वैल्यू हमने निकाला, क्या आया था हमारा, ये 0 डिग्री आया, 0 आया था, यानी हम साइन में लिख देंगे 0, ठीक है। फिर उसके बाद हमारा 1/4, यानी यहाँ पे क्या आएगा हमारा 1/2 आएगा। 45 डिग्री क्या आएगा, 45 डिग्री क्या आएगा, 1/√2 आएगा, ठीक है। और 60 डिग्री का क्या आएगा, √3/2 आएगा। 90 डिग्री का 1 आएगा। ये हमने साइन का कर लिया। अब जब हम साइन का कर लिए हैं, तो हम क्या कर लेंगे, कॉस का भी हमें आ जाएगा। कॉस का कैसे करेंगे, वो आप ध्यान देखिए, क्या करेंगे, कॉस में साइन का उल्टा कर देंगे। क्या कर देंगे, साइन का उल्टा कर देंगे। साइन का उल्टा कैसे करेंगे, जो लास्ट में 1 है ना, इस 1 को हम लिखेंगे पहले, यानी ये यहाँ पे 1 आ जाएगा। यहाँ पे √3 है, तो यहाँ पे √3/2 आ जाएगा, ठीक है। यहाँ पे 1/√2 आएगा, यहाँ पे 1/2 आएगा, ये 0 आएगा। यहाँ पे ऐसा इसलिए हुआ क्योंकि हमने क्या किया, उल्टा कर दिया। उल्टा करने का ही, उल्टा करेंगे तो आंसर हमारा आ जाएगा। अब अगर हमें tan थीटा फाइंड करना हो, tan वाला, तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हम लिखते हैं tan इज इक्वल टू साइन अपॉन cos, ठीक है। tan इज इक्वल टू साइन अपॉन cos। अगर हमें tan का वैल्यू फाइंड करना है, तो हमें साइन और cos को क्या, साइन को डिवाइड करना पड़ेगा cos से, ठीक है। तो अगर हमें कितना का फाइंड करना है, हमें अभी 0 1 का, तो 0 हमारा ऊपर आएगा, नीचे 1 रहेगा, ठीक है। तो जब ये आएगा, तो अभी हम यहाँ पे क्या करेंगे, 1 से हम 0 को डिवाइड करेंगे, तो 0 आ जाएगा, ठीक है। तो 1 0 0 होता है, यानी यहाँ पे 0 इसका आएगा। अब जो हमारा सेकंड है, सेकंड में क्या है हमारा, 1/2 है अपॉन में √3/2 है, यही है ना। अब क्या करेंगे, नीचे का 2 और नीचे का 2 कैंसिल कर देंगे, यानी यहाँ पे बचेगा हमारे पास 1/√3, ठीक है। अब सेम इसी तरीके से हम 45 डिग्री करते हैं, तो यहाँ पे है 1/√2 अपॉन 1/√2, तो √2 √2 कैंसिल, यानी हमारे पास बच जाए वैल्यू 1, यानी यहाँ पे आ जाएगा 1, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, √3/2 है और 1/2 है, अब यहाँ पे 1/2 है, ठीक है, तो 2 2 वो कर देंगे कैंसिल। अब जब यहाँ पे √3/1 है, यानी इसको हम डायरेक्ट लिख सकते हैं √3, ठीक है। अब जब 0 से हम 1 को डिवाइड करेंगे, 0 को हम जब 1 से डिवाइड करेंगे, तो क्या होता है, इन्फिनिटी आता है, ठीक है, यानी उसका अभी तक वैल्यू मतलब इन्फिनिटी है। 0 से हम जब डिवाइड ही करेंगे, देखिए किसी भी नंबर को हम 0 से डिवाइड करते हैं, तो 0 ही आता है, लेकिन 1 तो नहीं आएगा। अगर हम 0 से डिवाइड करें 1 को, तो क्या, कितने बार मल्टीप्लाई करें कि 1 आएगा, होगा ही नहीं। इसलिए क्या आ गया, यहाँ पे इन्फिनिटी का साइन आ गया। अब हमें करना है cosec। अब cosec जब भी हमें फाइंड करना है, तो हम क्या करेंगे, साइन का उल्टा, साइन का उल्टा, यानी हमारा 0 है, तो अभी यहाँ पे क्या आ जाएगा, 1/0, ठीक है, 1/0, ठीक है। तो अब 1/0 है, तो 0 से अगर हमें 1 को डिवाइड करना पड़ेगा, तो हम क्या करेंगे, 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, यानी हमारे पास जो वैल्यू 0 आया, ये हो जाएगा cosec 0 डिग्री का, ठीक है।
उसके बाद देखिए यहाँ पे 1/2 है, यानी उसका उल्टा करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 2/1, यानी 2 हम लिख सकते हैं। अब यहाँ पे 1/√2 है, यानी हम यहाँ पे डायरेक्ट रूट 2 लिख सकते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए 3/2, इसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ सकता है, ठीक है। अब 1 यहाँ पे है तो 1 का अगर उल्टा करेंगे तो 1 ही आएगा, ठीक है। अब sec का करना है, sec का करने के लिए हम क्या करेंगे, cos का उल्टा कर देंगे। sec का जब फाइंड करना हो हम क्या करेंगे, cos को उल्टा कर देंगे, यानी यहाँ पे देखिए 1 है तो 1 का अगर उल्टा करें तो 1 ही आने वाला है, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे 2, देखिए यहाँ पे √3/2 है, यानी उसका उल्टा करेंगे तो 2/√3 आ जाएगा, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/√2 है, यानी 1/√2 हो जाएगा। अब सिंपल यहाँ पे देखिए 1/2 है, यानी इसका आंसर 2 आ जाएगा, और यहाँ पे क्या आ जाएगा हमारा, क्या आएगा बताइए, जीरो का, अगर जीरो है, जीरो के नीचे कुछ नहीं है, 1 ही 1, यानी 1/0 आ जाएगा, ठीक है। 1/0 आ जाएगा, ठीक है, 1/0 आ जाएगा। तो जब 1/0 आएगा तब हम अगर डिवाइड करेंगे 0 से 1 में, कितना बार में आएगा तो कुछ आने वाला ही नहीं है, यानी इन्फिनिटी, ये भी हो गया, ठीक है। उसके बाद cot थीटा, cot का क्या, cot का कैसे फाइंड करेंगे, cot का फाइंड करने के लिए यहाँ पे देखिए 0 है, 0 से 0 का अगर हम उल्टा करेंगे तो यानी क्या आएगा, इन्फिनिटी आएगा, ठीक है। उसके बाद हमें इसका उल्टा कर देंगे 10, जब देखिए cot फाइंड करना है तो 10 का उल्टा कर देंगे, 10 का उल्टा यानी 1/√3 है, यहाँ पे आ जाएगा बस √3, यहाँ पे 1 है यानी 1 ही रहेगा, यहाँ पे √3 है उसका उल्टा करेंगे तो 1/√3 आ जाएगा यहाँ पे, और यहाँ पे देखिए क्या है, इन्फिनिटी है, तो इन्फिनिटी का उल्टा क्या होता है, देखिए 1/0 था, सॉरी 0/1 था तो जाके हमने इन्फिनिटी लिखा था, तो किस यहाँ पे क्या होगा अभी 1/0 हो जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पे हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0, यहाँ पे वैल्यू क्या हमारा आएगा, 0। देखिए यहाँ पे मैंने टेबल सारा कंप्लीट हो गया है, देखिए यहाँ पे फर्स्ट मेथड क्या था कि हमें 0/ सबके नीचे देखिए 0, 4, 1/4, 2/4, 3/4, 4/4 ऐसे करेंगे और रूट लगा देंगे तो हमारा निकल के आ जाएगा। अब इसका एक सिंपल सा एक और ट्रिक है, यहाँ पे इसको पोएम के फॉर्म में भी आप याद कर सकते हैं। आप ये याद कैसे कर सकते हैं, देखिए यहाँ पे 0 आधे पे रूट √3/2 और 1, क्या करेंगे हम, 0 आधे पे रूट √3/2 और 1, कैसे, देखिए ये 0 हो गया, अब इसको 1/2 यानी हाफ बोल सकते हैं, तो 0 आधे पे रूट यानी आधे पे रूट, अगर एक 1/2 है तो इसके ऊपर रूट लगा देते, क्या हो गया, आधे पे रूट लग गया, ठीक है। तो 0 आधे पे रूट √3/2 मतलब √3/2 और 1, ठीक है। तो ये एक गाने के फॉर्म में था, मतलब पोएम के फॉर्म में था, और यहाँ पे देखिए ये जो ये मेथड है ये आपको याद रखना है, और ये भी याद रखना है, 0 आधे पे रूट √3/2 और 1। ये वीडियो आपको कैसा लगा आप मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा, और यहाँ तक बने रहने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।